हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद पायल। क्या आप आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव करना चाहते हैं? तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स देखने वाले हैं जिससे आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलो तो फिर आज के हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक से बैठ कर लिखे। जब भी कुछ लिखना हो तो सही पोस्चर में बैठ कर लिखे। अगर आप लेट कर या खड़े होकर लिखेंगे तो आपकी राइटिंग निश्चित तौर पर खराब होगी। जब भी लिखने बैठे तो कुर्सी टेबल या स्टडी टेबल का प्रयोग करें। अधिक जोर देकर पेन ना पकड़े। लिखते समय पेन या पेंसिल को ना अधिक जोर से पकड़े और ना ही पेपर पर उसे अधिक दबा कर लिखे। ऐसा करने से आप बेहतर राइटिंग में लिखेंगे। अधिक स्पीड में ना लिखे। अगर आप हैंडराइटिंग सुधारना चाहते हैं तो अपने लिखने की स्पीड को थोड़ा कम करें। मसलन 10 मिनट में अगर आप 2 पेज लिख लेते हैं तो अभी कुछ दिन आधा पेज ही लिखें। जब आपकी हैंडराइटिंग में सुधार हो जाएगा तब आप अपनी स्पीड धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। पूरे हाथ के पोस्चर को सुधारें। कई छात्र लिखते समय केवल अपने हाथ यानी पंजे को हिलाते हैं और उनका पिछला भाग बिल्कुल स्थिर बना रहता है, जिससे उसे 1-2 पेज लिखने में ही हाथों में दर्द होने लगता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पूरे हाथ में ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए आप लिखते वक्त पूरे बाजू को मूव करें, इससे आप हैंडराइटिंग में सुधार कर सकते हैं। 2 शब्दों के बीच गैप समान रखें। आप जब भी लिखें तो 2 शब्दों के बीच गैप एक समान रखें। ऐसा करने से लिखावट क्लीन और बराबर दिखेगी और बेहतर लगेगी। क्लीन लिखें। कोशिश करें कि एक बार में ही सही लिखें, जिससे बार बार काटने या ओवरराइटिंग की जरूरत ना हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।